गुड मॉर्निंग टू एवरी वन आज हम पढ़ेंगे आर फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट वन जो कि क्लास फाइव का फोर्टीन चैप्टर है चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें हम क्या सीखेंगे इसमें एंट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया ब्रिटिश का इंडिया में एंट्री द इनजस्टिस ऑफ ब्रिटिश ब्रिटिश का अन्याय द रिवॉल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन अठारह सो सत्तावन की क्रांति यानी इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडिया वॉज अ वेरी रिच एंड प्रोस्पेरिस कंट्री इन एंशियड टाइम जो इंडिया है वो बहुत ही समृद्ध और धनी कंट्री था पुराने टाइम में इट वॉज़ वर्ल्ड फेमस फॉर स्पाइसिस टेक्सटाइल ज्वेलरी एंड पल्स ये वर्ल्ड फेमस था किसके लिए मसालों के लिए टेक्सटाइल के लिए ज्वेलरी के लिए एंड पल्स के लिए मैनी यूरोपियन ट्रेडर्स अराइव्ड इन इंडिया फॉर ट्रेड जो मैनी यूरोपियन ट्रेडर्स थे यानी बहुत से भारतीय बहुत से यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया में आए ट्रेड करने के लिए फर्स्ट केम द पोर्टीग्यूज सबसे पहले कौन आया वो पोर्टिग्यूज थे फॉलोड बाई द फ्रेंच एंड फाइनली इन इंग्लिश जो पहले फ्रेंच को फॉलो करते थे उसके बाद में इंग्लिश को फॉलो करने लगे ऑल दीज कभी इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते थे उसके दो रीज़न है इंडिया वॉज अ ह्यूज मार्केट फॉर देयर ओन गुड्स जो इंडिया था वो एक बहुत ही बड़ा मार्केट था अपने सामान के लिए इंडिया वॉज रिच इन एक्सॉटिक स्पाइसिस ज्वेलरी एंड टेक्सटाइल जो इंडिया था वो समृद्ध था किससे विदेशी मसालों से आभूषणों से और टेक्सटाइल से अब हम पढ़ते हैं एंट्री ऑफ ब्रिटिश ट्रेडर्स इन इंडिया द ब्रिटिश एज द मोस्ट पावरफुल अमंग जो ब्रिटिश थे वो सभी में मोस्ट पावरफुल थे यानी काफी शक्तिशाली थे काफी पावरफुल थे दे टुक द परमिशन ऑफ मुगल एम्प्रयर जागीर टू ट्रेड इन इंडिया थ्रू द इंग्लिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी विच वॉज एस्टेब्लिश इन ईयर 1600 उन्होंने परमिशन ली मुगल एम्पर जहांगीर से ट्रेड करने के लिए इंडिया में किसके थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि कब बनी थी 1600 में बनी थी द कंपनी क्यूकली स्टैब्लिश फैक्ट्रीज इन सूरत जो कंपनी है वो जल्दी से स्टैब्लिश हुई कहाँ पे सूरत पे सूरत में भारूच में बॉम्बे कलकत्ता मद्रास इन सब में दे बॉट गुड्स चीपली वो क्या करते थे यहाँ से सामान सस्ते में ले जाते थे And sold them abroad at high price. और उसी सामान को एब्रॉड जाके, जाके, सेल कर देते थे This resulted in huge profits for country. क्या हुआ? उस कंपनी को बहुत ही फायदा हुआ क्यों वो क्या करती थी सस्ते में सामान ले जाती थी और महंगे में जाके विदेश में बेच देती थी टेकिंग एडवांटेज ऑफ द लैक ऑफ यूनिटी अमंग द इंडियंस द ब्रिटिश कॉन्कट अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया टू इप्लाइज

जो की एक पुर्तगाली खोज करता था उसने एक नया रास्ता खोजा इंडिया तक जाने के लिए किसके थ्रू द द केप 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 ऑफ ऑफ गुड होप जो गुड क्या है एक अफ, है, एक दक्षिण अफ्रीका है है वहां पे रास्ता रास्ता कब खोजा उन्होंने ये रास्ता? 1498 में अब पढ़ते हैं बैटल ऑफ प्लासी इनिशियली ब्रिटिश ट्रेडर्स वर इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग ओनली बट सून शुरू में जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे वो सिर्फ इंटरेस्टेड थे ट्रेडिंग के लिए भारत में लेकिन दे स्टार्टेड बिल्डिंग फोर्स एंड मेंटेनिंग आर्मी इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग देअर गोडाउंस फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया बिल्डिंग फोर्स बनाना और मेनटेन आर्मी की किसके नाम पे अपने गोडाउंस को प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब आर्मी को मैंटेन करने लगे वहाँ पे हाउ एवर नवाब ऑफ बंगाल अगेंस्ट द बिल्डिंग ऑफ फोर्स बाई ब्रिटिशर्स एंड आज दैम नोट नोट टू डू सो जो जबकि जो नवाब थे बंगाल के सिराजुद्दौला वो अगेंस्ट थे उनके इस तरह के किले बनाने के लिए फिर उन्होंने ब्रिटिशर को बोला कि वो ऐसा ना करें

नेक्स्ट है बैटल ऑफ बक्सर द बैटल ऑफ बक्सर टू प्लेस इन बक्सर का युद्ध कब हुआ था 1764 में हुआ था द ब्रिटिश डिफीटेड द मुगल एम्प्रियर शाह आलम सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ अवध एंड मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल जो ब्रिटिश uh, थे उन्होंने किसे किसे हराया था मुगल एम्प्रियर शाह आलम टू को सिराजुद्दौला नवाब ऑफ अवध और नवाब ऑफ अवध को मीर कासिम एंड जो की देखिये शुरू से पढ़िए जो आ, ब्रिटिशर थे उन्होंने डिफ़ीट किया मुगल एम्प्रेस सुराजु, 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 सुराजु उद्दौला जो कि नवाब ऑफ़ अवध का अब ह्यूमिलेशन होने लगा यानी मुगलों का शोषण होने लगा जब वो कंपनी उन्हें फिक्स रेगुलर इनकम देने लगी सिर्फ ताकि वो जी सके बैटल ऑफ श्रींगापटनम इन सेवनटीन नाइनटी नाइन नाइन सीई यानी इन सेवनटीन नाइनटी नाइन सीई में CE, जो ब्रिटिश थे वन ओवर मैसूर मैसूर को जीत लिया बाय द फिटिंग किसे हरा के टिपू सुल्तान इन द बैटल ऑफ शिंगापट्टनम ठीक है टिपू सुल्तान को हराया उन्होंने किसके बैटल में शिंगा शिंगापटनम के ये लाइनें आप अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं द ब्रिटिश यूज देयर डिप्लोमेसी ब्रिटिश ने अपनी डिप्लोमेसी पॉलिसी को यूज किया एंड क्रिएटेड डिफरेंस अमंग इंडियन रूलर्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन उन्होंने क्या किया क्रिएट किया डिफरेंस इंडियन रूलर्स के बीच में किसको लेके कास्ट को और रिलीजन को लेके

अब उसके बारे में पढ़ते हैं द ब्रिटिश वर ओनली इंटरेस्टेड इन मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम इंडिया जो ब्रिटिश थे वो सिर्फ इंटरेस्टेड थे इंडिया से पैसे कमाने में इंडिया का लाभ उठाने में दे फोर्स द फार्मर ऑफ बिहार टू ग्रो इंडिगो नील अ ब्लू डाई उन्होंने क्या किया फार्मर्स को फोर्स किया बिहार के इंडिगो जो एक डाई होती है ब्लू कलर की उसे ग्रो करने के लिए फोर्स किया दिस डाई वॉज रिक्वायर्ड इन इंग्लैंड टू डाई क्लोथ इन द मिल यह जो आ, डाई थी ये इंग्लैंड को चाहिए थी उनकी मिल में कपड़ों को डाई करने के लिए दे ऑल्सो फोर्स फार्मर्स टू ग्रो कॉटन फॉर कॉटन मिल्स इन इंग्लैंड उन्होंने फार्मर्स को फोर्स किया कॉटन उगाने के लिए जो कि इंग्लैंड को चाहिए था कॉटन मिल्स में द फार्मर्स हैड टू गिव अप ग्रोइंग फूड ग्रेन एंड हैड नथिंग टू फीड डेम जो फार्मर थे वो ग्रो करते थे किसे अनाज को एंड हैड और अपने लिए कुछ भी नहीं रखते थे दे फोर्स टू सेल इंडिगो एट अ वेरी लो प्राइस टू द ब्रिटिश और वो फोर्स करते थे इंडी को बेचने के लिए बहुत कम प्राइस पे ब्रिटिश में द फार्मर्स बिकेम वेरी पुअर और इस तरह जो किसान थे वो बहुत ही गरीब हो गए थे द वीवर्स आल्सो बिकेम पुअर एज दे वर फोर्स टू सेल देयर क्लोथ एट वेरी लो प्राइस और जो वीवर्स थे यानी जो बुनाई करते थे जो बुनते थे वो भी बहुत गरीब हो गए थे क्योंकि वो उन्हें भी फोर्स करते थे कि वो कम प्राइस पे उन्हें कपड़े बेचे कॉटन वॉज ब्रॉड फ्रॉम इंडिया फार्मर्स एंड सेंट टू ब्रिट ब्रिटेन अब क्या होता था कॉटन लाया जाता था इंडियन फार्मर्स uh, से और भेजा जाता था ब्रिटेन को एज द क्लाइमेट ऑफ ब्रिटेन डज नॉट फेवर कॉटन कल्टिवेशन क्योंकि जो ब्रिटेन की अपनी जलवायु थी अपना वेदर था वो फेवर आ, फेवरेबल नहीं था कॉटन कल्टिवेशन के लिए इन रिटर्न क्लॉथ वॉज शिफ्ट बैक टू सोल्ड इन इंडिया एट अ वेरी हाई प्राइस अब क्या होता था वो जो क्लॉथ था वो वापस आता था वापस मतलब शिफ्ट होता था कहाँ से ब्रिटेन से और इंडिया को बेचा जाता था बहुत हाई प्राइस पे दे डिड नॉट अलाउ इंडिया टू स्टार्ट देयर ओन कॉटन वे अलाउ ही नहीं कर रहे थे कि इंडिया अपनी मिल खोले कॉटन मिल्स खोले ब्रिटिश मेड अनजस्ट लॉस टू टेक कंट्रोल ऑफ मोर एंड मोर किंगडम्स ब्रिटिश ने अपने अन्याय से कंट्रोल कर रखा था किस किस पे बहुत सारे किंगडम्स पे डॉक्टर राइन ऑफ लेफ्ट से वॉज एन अनजस्ट रूल मेड बाय ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी अब लॉर्ड डलहोजी ने एक रूल बनाया जिसे कि हड़प हड़प की नीति का आ, हड़प की नीति का आप नियम बता सकते हैं यानी वो भारत को हड़पना चाहते थे इट्स सेट दैट इफ किंग डाइट विदाउट ए नेचुरल हियर यानी उन्होंने कहा कि अगर कोई राजा मर जाता है और उसका कोई नेचुरल सन नहीं हो यानी उसके कोई बच्चा नहीं हो यानी बेटा नहीं हो हिज किंगडम वुड बी टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश रूल उस राज्य को वो राज्य ब्रिटिश रूलर के पास चला जाएगा तो ये उन्होंने एक नियम बनाया था कि अगर तो मतलब वो अगर घर में कोई वारिस ना हो तो वो जो प्रॉपर्टी थी वो ब्रिटिश रूलर्स के पास चली जाती थी मैन ए इंडियंस रूलर्स लाइक नवाब ऑफ उद वर वीक मैनी इंडियन रूलर्स लाइक नवाब ऑफ अवध हो वर वी डिड नॉट अपोज द पॉलिसी एंड एक्सेप्टेड इड जो बहुत सारे आ, क्या था मैनी इंडियंस रूलर्स जो मैनी इंडियंस मैनी इंडियंस रूलर्स थे यानी नवाब अवध के नवाब थे वो बहुत कमज़ोर थे और अपोज नहीं कर पाए पॉलिसी और उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा ये सब डर दिस रूल इस रूल के नियम के अनुसार ब्रिटिश ट्राई टू ब्रिंग द प्रोविजन्स ऑफ झांसी उन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें ट्राई किया झांसी को अपने हक़ में लाने के लिए एंड सम पार्ट्स ऑफ मराठा किंगडम्स विच विच लेड टू ह्यूज रिसेंटमेंट अमंग द रूलर्स लाइक रानी लक्ष्मी बाई तो क्या हुआ जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ट्राई किया झांसी और मराठा किंगडम के बहुत सारे राज्यों को आ, पे हक जमाने का उन्हें हड़पने का लेकिन जिस वजह से जो आ, कुछ जो रूलर्स थे उनमें बहुत रिसेंटमेंट का मतलब नाराजगी पैदा हुई जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई अब पढ़ते हैं द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देर आर मैनी कॉजेज विच लेट टू द रिवॉल्ट ऑफ एटीन बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से अठारह की क्रांति का जन्म हुआ वन सेस कॉज वॉज द डिसटिस्फैक्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी उनमें से एक बड़ा कारण था इंडियन सोल्जर के जो इंडियन आर्मी के जो सोल्जर थे उनमें डिससेटिस्फेक्शन यानी उनका असंतोष होना द इंडियन सोल्जर्स सिपोईस वर अनहैप्पी विद द ब्रिटिश रूल अलॉन्ग विद द फार्मर्स एंड द रूलर्स द इंडियन सोल्जर्स सिपोइज का मतलब होता है कि जो इंडियन के इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें सिपोइज बोलते हैं शॉर्ट में वो अनहैप्पी थे क्यों थे जो ब्रिटिश ने रूल बना रखा था फार्मर्स के साथ और रूलर्स के साथ अब वो रूल क्या था ऑल दिस लेट टू एन अप राइजिंग और रिवॉल्ट इन फिफ्टी सेवन इन सभी ने अट्ठारह सौ सत्तावन की क्रांति को जन्म दिया दिस बिकेम फेमस द एज सिपोई मुटनी और रिवॉल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन जिस वजह से यह फेमस हो गया सिपोई मुटनी या फिर एटीन फिफ्टी सेवन के द मेन केस द मेन कॉज ऑफ़ द रिट द इंट्रोडक्शन ऑफ एन फील्ड राइफल जो मेन के मेन कॉज़ था रिवॉल्व का वो था एन uh, फील्ड मतलब जो राइफल यूज़ हो रही थी उनसे रिलेटेड द कार्ट्रीज ऑफ़ दिस राइफ़ल हैज़ अ ग्रीसी टिप विच हैज़ टू बी बिटन ऑफ बिफोर यूज जो इनके कार्ट्रीज थे राइफ़ल के वो ग्रिस मतलब ऊपर से ग्रिस ग्रीस, ग्रीस किए हुए थे किस्से और ग्रीस किए हुए थे जो उनके किट जब वो यूज़ होते थे तो उन्हें क्या करना होता था दैसे काटना पड़ता था उन्हें यूज़ करने से पहले तो इट वॉज़ बिलीव दैट इट वॉज बिलीव दैट कवर वॉज ग्रीज विथ द फैट ऑफ काउज एंड पिगज और उन, उन लोगों को ये था कि ये जो कवर इन्होंने किया हुआ है ग्रीस से ये फैट किसकी फैट से किया हुआ है काउ की और पिक की इट इट अफेंड द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ बोथ जो कि दोनों ही धर्मों के लोगों के लिए एक बड़ी ही ऑफ्रेंड uh, मतलब दोनों ही इस चीज़ के विरोध करता मतलब दोनों दोनों के धर्म के लोगों को ही घात पहुँचाना था हिंदू एंड मुस्लिम एज हिंदूज वर्षिप काओ जो कि हिंदू थे वो वर्षिप मतलब पूजा करते थे काऊ की डू नॉट ईट बीफ और वो काऊ का मांस नहीं खाते थे मुस्लिम्स आर नॉट परमिटेड टू ईट पॉल और मुस्लिम्स को परमिट नहीं था कि वो uh, सूअर का मांस खाए द सोल्जर रिफ्यूज़ टू यूज़ दिस राइफ़ल जो सोल्जर थे वहाँ के यानी जो uh, काम करते थे आर्मी में उन्होंने मना कर दिया था इन राइफल्स को यूज़ करने के लिए दे दे उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया और ओवर थ्र्यू देयर सुपीरियर्स और अपनी जो जो सुपीरियर्स थे उनकी आज्ञा का पालन ना करके मार्च टू डेली जन समूहों को दिल्ली भेज दिया और टू क्राउन द मुगल एम्प्रायर बहादुर शाह ज़फ़र एज देयर राइफुल और मुग़ल शाह मुग़ल एम्प्रायर बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया एलॉन्ग विश शोल्जर्स अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी आल्सो ज्वाइन द रिवॉल्ट जो दूसरी तरफ के सोल्जर्स थे अदर सेक्शन के उन्होंने भी इसे इस रिवॉल्ट को ज्वाइन जो, किया मैनी रूलर्स एंड लीडर्स सच एज रानी लक्ष्मी भाई ऑफ जैसी मैनी रूलर्स और, और लीडर्स जैसे कि रानी लक्ष्मी बाई झांसी की नाना साहेब तात्या टोपे कुंवर सिंह बेगम हज़रत अली महल इन सब ने यह रिवल्स ज्वाइन जो, किया रिविल्स का मतलब होता है विद्रोही को यानी इन विद्रोही का जो ग्रुप था वो किया द रिवॉल्व वॉज सप्रेस्ड वेरी क्रूअली बाय द ब्रिटिश जो ये रिवॉल्व था जो ब्रिटिशर्स ने इसे बहुत ही बुरी तरह दबाया बड़ी आ, क्रोधता से या बड़ी निर्दयी तरीके से द रिवॉल्व फेल्ड जो क्रांति थी वो फेल हो गई थी बिकॉज इट लैक्ड द स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्योंकि उनके पास एक कोई मजबूत राजा नहीं था वॉज नॉट प्लान प्रॉपरली जो कि प्लान रिवॉल्व भी नहीं थी द ब्रिटिश फोर्स वर वेरी ऑर्गेनाइज एंड बेटर आर्म जो ब्रिटिशर थे उनके पास अच्छी फोर्स थी और बेटर हथियार मतलब अच्छे आ, उनके पास हथियार थे मैनी इंडियंस वर वेरी मैनी इंडियंस वर एग्जीक्यूटिव रैली डाइड वाइल फाइटिंग जितने भी रिवोल्ट में लोग थे उनमें से मैनी इंडियज को फांसी दे दी गई और लाली लक्ष्मी भाई भी मार, मर मर गई जब वो लड़ाई कर रही थी बहादुर शाह वॉज कैप्चर जो कि बहादुर शाह था वो भी पकड़ा गया था बहादुर शाह पकड़ा गया और एग्जाइल टू वर्मा यानी वर्मा को निर्वास मतलब उसे भेज दिया गया हिज टू सन्स वॉर्ड उसके जो दो सन थे वो मारे गए थे एंड ब्रिंगिंग एन एंड टू द माइटी मुगल एम्प्र अब क्या हो गया था हिज टू सन्स वर्किड मारे गए ब्रिंगिंग एंड एंड और उस मुगल uh, uh, उसका मुगल एम्पायर का एंड हो गया था एंड टू द माइटी मुग़ल एम्पायर और मुग़ल एम्पायर जो था वो uh, ख़त्म होने के करार पर खड़ा हो गया था द रिवॉल्व वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया लेकिन जो रिवॉल्व था वो एक टर्निंग पॉइंट था भारत के इतिहास में इट एंड द रूल ऑफ इट एंड एट द रूल ऑफ इंग्लिश इसने क्या किया रूल ऑफ इंग्लिश यानी इंग्लिश का जो रूल था उन्होंने खत्म कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी एंड वॉज रिप्लेस रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन एटीन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो रिप्लेस हो गई थी किससे रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन से ठीक है यानी जो ब्रिटिश था उस अब जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी चलती थी इंडिया में तो वो रिप्लेस हो गई थी किससे ब्रिटिश क्राउन क्वीन विक्टोरिया वॉज डिक्लेयर द एम्प्रेस ऑफ इंडिया एंड हर वाइस ग पावर टू रूल इंडिया ऑन हर बिहाफ जो क्वीन विक्टोरिया थी वो भारत की रानी बन गई थी और उन्हें डिक्लेयर किया गया था जो उसके वाइस रॉयज थे उन्हें पावर दी गई थी इंडिया पे रूल करने के लिए उनके जगह पर दिवॉल्ट इनिशिएटेड एंड अर्जम द इंडियंस टू भी फ्री लेकिन जो रिवॉल्व था वो शुरुआत हो गई थी बहुत से भारतीयों में ब्रिटिश रूल से फ्री होने के लिए दे बिलीव दैट दिफॉल्ट इन अ प्लान मैनर उन्हें विश्वास हो गया था कि अगर वो लड़, अगर एक प्लान मैनर में लड़ेंगे तो वो कामयाब होंगे थ्रू द ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया ब्रिटिश को भारत से भार, भारत से बाहर फेंकने में तो चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू दे रखे हैं चूज द करेक्ट आंसर डिड वास्को डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया तो ये 1498 में दिया था दे वर द फर्स्ट टू स्टार्ट ट्रेड विद इंडिया कौन थे जिन्होंने पहले इंडिया पे ट्रेड किया तो वो पोर्टुगल थे हु इनिशिएटेड द ऑफ किसने इनिशिएट किया रिवॉर्ट ऑफ एन को आ, मंगल पांडे ने ठीक है विच मुगल एम्पर वाज एक्साइल टू वर्मा बाय द ब्रिटिश जो मुगल एम्पर थे जो मुगल एम्पर कौन से मुगल एम्पर एक्साइल किए गए थे यानी निर्वासित किए गए थे वर्मा के लिए ब्रिटिश के द्वारा तो वो थे बहादुर शाह जफर हु फोर्ट अगेंस्ट ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ प्लासी कौन लड़ा था ब्रिटिश के ब्रिटिश के खिलाफ बैटल ऑफ प्लासी में तो वो थे सिराजू दौला अब करते हैं फ्लिंदा ब्लैंक द ब्रिटिश फोर्स द फार्मर्स टू ग्रो जो ब्रिटिश थे उन्होंने फोर्स किया था फार्मर को क्या उगाने के लिए इंडिगो एंड कॉटन डैश वॉज द लास्ट मुगल एम्प्रायर मुगल एम्पायर का लास्ट एम्प्रायर एंप, कौन था मुगल एम्पायर का वो थे बहादुर शाह

और इसका रिजल्ट क्या था हु बैटल ऑफ श्रींगापट्टनम एंड वैन कौन लड़ा था ब्रिटिश हु कौन लड़ा था ब्रिटिश में ब्रिटिश ब्रिटिशर से किस में कौन से बैटल में श्रृंगापट्टनम और कब और हु वॉज लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड डलहौजी कौन था तो ये सब के क्वेश्चन आप अगर चैप्टर अच्छे से रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा चलिए बाकी अभी हमने पढ़ा है पीछे लॉर्ड डलहौजी के बारे में तो लॉर्ड डलौजी भी आपने पढ़ा था वो क्या था ब्रिटिश गवर्नर था और सेकंड है हमारा हु फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश एंड बैटल ऑफ शंगापट्टनम तो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ कौन लड़ा था टीपू सुल्तान लड़ा था और उसका रिजल्ट क्या रहा था जो उसका रिजल्ट क्या रहा था शंगापट्टनम में मतलब कि अब क्या हो गया था जो बैटल ऑफ शंगापट्टनम जो टीपू सुल्तान हारे थे उसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया भारत के बहुत बड़े हिस्से पे विजय प्राप्त कर ली उसके बाद उन्होंने 190 साल तक पूरे भारत पे अपना राज चलाया और वेंडेड बैटल ऑफ बक्सर टेक प्लेस तो बक्सर का युद्ध 1764 सी में हुआ था और इसका रिज़ल्ट क्या रहा था इसका रिज़ल्ट रहा था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो अब ह्यमिलेट करने लगे थे मुगल्स को और उन्हें एक पर्टिकुलर मतलब एक लिमिटेड इनकम देते थे रेगुलर वेज पे ताकि वो सिर्फ जी सके अब ट्रू फॉल्स देख लेते हैं आ, इंडियन वॉज इंडिया वॉज़ फेमस फॉर इट्स स्पाइसिज टेक्सटाइल ज्वेल एंड पर्स ये ट्रू है ये फ्रेंच वॉज द फर्स्ट ट्रेडर्स हु केम टू इंडिया फॉल्स मुगल एम्पर जागीर वॉज द फर्स्ट किंग अलाउड ब्रिटिश टू ट्रेड इन इंडिया मुगल एम्पर जहागीर पहले किंग थे जिन्होंने अलाउ किया था आ, किसे ब्रिटिशर्स को ट्रेड करने के लिए इंडिया में ट्रू देर वॉज अ लैक ऑफ लीडरशिप इन द रिवॉल्ट ऑफ एफ्टी से टर्निंग पॉइंट इन दस ये भी ट्रू है तो ये हमारा पूरा चैप्टर समझ पूरा चैप्टर खत्म हो गया है अगर आपको चैप्टर समझ आए आपको एक्सप्लेन इसकी सही लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करें थैंक यू सो